सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? एक नया वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं और इस टॉपिक की रिक्वेस्ट इस चैनल पे काफी लंबे समय से आ रही थी और ये रहा वो टॉपिक, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। अब इतना टेक्निकल नाम सुन के घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही कॉमन है और किसी को भी हो सकता है। अधिकतर जिम में आपने लोगों को कहते सुना होगा कि मुझे लोअर बैक पेन है, नी पेन है। वैसे तो लोअर बैक पेन, नी पेन होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट एंटीरियर पेल्विक टिल्ट भी एक रीजन हो सकता है। एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होता क्या है और उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, ये तो हम वीडियो में जानेंगे ही, बट एक सिंपल टेस्ट वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, जिसको करके आप ये पता लगा सकते हो कि आपको एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है भी या नहीं। इसीलिए वीडियो में बने रहें, आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। एंटीरियर पेल्विक टिल्ट एक पोस्चरल प्रॉब्लम है जिसमें आपका पेल्विस आगे की तरफ रोटेट हो जाता है और जिसकी वजह से आपके हिप्स पीछे की तरफ और एब्स आगे की तरफ आ जाते हैं और आपकी लोअर बैक में एक ओवर आर्च बन जाता है। इसके रीजन हो सकते हैं फिजिकली इनएक्टिव, पुअर एक्सरसाइज टेक्निक, इम्बैलेंस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मतलब आप किसी मसल को ज्यादा और किसी को कम ट्रेन करते हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है लंबे समय तक बैठे रहने की वजह से। स्लाइटली एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होना इज फाइन, बट जब ये ज्यादा हो जाता है और उस कंडीशन में आप एक्सरसाइज लाइक स्क्वाट और डेडलिफ्ट परफॉर्म करते हो तो उस केसेस में आपको लोअर बैक की सीरियस इंजरी हो सकती है। इसीलिए एंटीरियर पेल्विक टिल्ट को ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक कैसे करें, उससे पहले जब आपके हिप फ्लेक्सर्स और इरेक्टर स्पाइन टाइट और आपके ग्लूट मसल और एब्डोमेन मसल वीक होते हैं, उसकी वजह से आपको एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होता है। तो यानी अब आपको कुछ ऐसी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी है जो कि आपके हिप फ्लेक्सर्स को रिलीज कर सके और कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जो आपके एब्डोमेन एंड ग्लूट मसल को स्ट्रेंथन कर सके। आइए जानते हैं वो एक्सरसाइजेस कौन सी हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज जो आप करोगे वो होगी नीलिंग हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच। करने के लिए आपको इस तरीके से लंज पोजिशन में बैठना है। अब आपको ध्यान क्या करना है कि आपका जो अगला नी है वो रहेगा एडी के ऊपर और पिछला नी हिप्स के नीचे। अब शुरू करने से पहले आप अपनी नाभि को अंदर की तरफ खींचे, स्क्वीज करें एब्स को और ग्लूट्स को भी स्क्वीज करना है आपको। अब यहां से आप आगे जाएंगे इस तरीके से, बट आपकी अपर बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में रहेगी, वो बेंड नहीं हो सकती। और मैक्सिमम स्ट्रेच होने के बाद आप होल्ड करेंगे 3 सेकेंड, 1, 2, 3, मीन्स आपको अपने हिप फ्लेक्सर मसल को मैक्सिमम स्ट्रेच करना है और यहां से वापस आएंगे एंड सेम मूवमेंट को आप कंटिन्यू करेंगे फॉर 10 रेपिटेशन। और जैसे ही आपके 10 रेपिटेशन हो जाएंगे आप लेग को चेंज करोगे एंड सेम मूवमेंट परफॉर्म करोगे। बस ध्यान ये रखें थोड़ा कंट्रोल वे में करें। और जैसे ही 10 हो जाएंगे आपके, वो होगा आपका 1 सेट और आपको 2 सेट परफॉर्म करने हैं। सेकेंड एक्सरसाइज आप करोगे लाइंग नो गैप। करने के लिए आपको इस तरीके से फ्लोर पे लेटना है, अपनी दोनों एडियो को हिप्स के एज क्लोज एज पॉसिबल रखें। अब जिनको एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है वो अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ पे उनके एक ओवर आर्च होगा, यानी इस तरीके से हाथ पूरा अंदर चला जाएगा। आपको इस आर्च को ख़त्म करना है बेसिकली। वो कैसे आप करोगे, जब आप अपनी नाभि को अंदर की तरफ स्क्वीज करोगे और लोअर बैक को फ्लोर पे टच रखोगे लाइक दिस। अब यहां से आपको करना क्या है, अपने पैर को सामने की तरफ लाना है और हवा में रखना है, नीचे टच नहीं करना, एंड वापस ले आए और फिर दूसरे पैर को सेम तरीके से खोले एंड जस्ट कीप डूइंग लाइक दिस। बट जिनको एंटीरियर पेल्विक टिल्ट की प्रॉब्लम है उनका ये आर्च बार बार बनेगा ड्यूरिंग द वर्कआउट, तो उनको पहले इस आर्च को खत्म करना है, यानी उनको मूवमेंट को बीच में रोकना पड़े, इस आर्च को खत्म करके ही वो फिर से शुरू करें लाइक दिस एंड जस्ट कीप डूइंग। आपको दोनों पैर से टोटल नंबर ऑफ रेपिटेशन करने हैं 40, यानी एक पैर से 20 एंड दूसरे से भी 20। ये होगा आपका 1 सेट और आपको नंबर ऑफ सेट्स जो करने हैं वो करने हैं 2। अब इससे आपके एब्डोमेन मसल
स्ट्रेंथन हो जाएंगे, आपकी इरेक्टर स्पाइन के मसल जो है वो ओपन अप हो जाएंगे और आपको लाभ होगा। थर्ड एक्सरसाइज एंटीरियर पेल्विक टिल्ट को ठीक करने के लिए आप करोगे डीप स्क्वाट स्ट्रेच। अब करने के लिए आपको दोनों पंजों को शोल्डर विड्थ रखना होगा। अब यहां से सपोर्ट लेते हुए आप जाएंगे नीचे स्क्वाट पोजिशन में, बट नॉर्मल स्क्वाट नहीं, डीप स्क्वाट, यानी पूरा नीचे बैठ जाए। आपकी एडी हमेशा फ्लोर पे टच रहेगी, बैक ऐसे फॉरवर्ड बेंड नहीं रह सकती, आपको स्ट्रेट रखना है। अब आपको दोनों अपनी एल्बोस से अपने नीज को बाहर की तरफ रखना है। मैं आपको सामने से समझा देता हूं। सो बेसिकली करना क्या है आपको, यहां पे दोनों कोनियों को इस तरीके से घुटने को बाहर की तरफ धक्का मारना है ऐसे, और आपको अब इस पोजीशन में 20 टू 30 सेकंड होल्ड करना है। बट अगर आप नहीं कर पाओगे, आपको अनकंफर्टेबल होगा, तो बीच में आप खड़े हो सकते हो, थोड़ा सांस ले लो एंड फिर बैठो लाइक दिस। एंड ऐसा आपको 5 से 10 बार करना है, वो होगा आपका एक सेट और आप 2 सेट परफॉर्म करना। फोर्थ एक्सरसाइज आप करोगे बेंच हिप थ्रस्ट। ये एक्सरसाइज आपके ग्लूट मसल को स्ट्रेंथन करने के साथ साथ आपकी लोअर बैक को भी स्ट्रेंथन करेगी। अब करने के लिए आपको इस तरीके की एक फ्लैट बेंच की जरूरत पड़ेगी। अब आपको करना क्या है, अपनी अपर बैक को बेंच पे प्लेस कर लें लाइक दिस, और अपने दोनों हिप्स को लिफ्ट करें एंड स्क्वीज करें लाइक दिस। अब समझने वाली बात यह है कि आप अपने हिप्स को उतना ही लिफ्ट करोगे कि आपका शोल्डर, हिप्स और नी एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए। तो बेसिकली आपको बहुत ज्यादा लिफ्ट नहीं करना, मींस आर्च नहीं बनाना। सो मैं आपको करके दिखाता हूं। नीचे गए, यहां से लिफ्ट किया एंड ग्लूट्स को स्क्वीज किया, होल्ड इट फॉर अ सेकेंड एंड नीचे चले गए एंड जस्ट कीप डूइंग। जब भी आप अपने हिप्स को स्क्वीज करते हो, ब्रीद आउट करो। बस जो मैंने आपको बताया कि आपको बहुत ज्यादा लिफ्ट नहीं करना, वो ध्यान रखें। ट्राई इट आउट 15 टू 20 टाइम्स, वो होगा आपका एक सेट और आपको नंबर ऑफ सेट्स करने हैं 2। फिफ्थ एक्सरसाइज आप करोगे प्लैंक्स, बट ये नॉर्मल प्लैंक्स नहीं है, थोड़ा सा प्लैंक्स से डिफरेंट होगा, वो देखेंगे हम कि कैसे होगा। तो नॉर्मल प्लैंक्स में आप क्या करते हो, आप बॉडी को रखते हो स्ट्रेट लाइन, बट यहां पे आपको अपने हिप्स को थोड़ा सा लिफ्ट करके रखना है इस तरीके से, एंड दोनों हिप्स को स्क्वीज करेंगे ऐसे, एंड कोर को भी आपको स्क्वीज करना है एंड होल्ड इट हियर, होल्ड करें, ब्रीदिंग नॉर्मल चलती रहेगी आपकी, एंड होल्ड इट एज मच एज यू कैन, मे बी 10 सेकेंड, 15-30 सेकेंड, जितना भी आप कर पाओ, और इसी तरीके से आपको 4 बार होल्ड करना है मिनिमम। सिक्स्थ एंड लास्ट एक्सरसाइज हम करेंगे सेल्फ मसाज। आपको इस तरीके की एक टेनिस बॉल की जरूरत पड़ेगी अब, क्योंकि एंटीरियर पेल्विक टिल्ट में आपके हिप फ्लेक्सर्स टाइट हो जाते हैं, तो उनको रिलीज करेंगे हम। तो बॉल को आपको आपकी जो पेल्विक बोन है उसके नीचे प्लेस करना है। अब जस्ट लाई डाउन लाइक दिस। अब आपको आगे पीछे मूव करना है लाइक दिस, एंड उन मसल्स पे मसाज करनी है सो दैट वो रिलीज हो जाए। और बस आपको ध्यान ये रखना है कि बॉल कभी भी आपके बोन पे रोल नहीं करेगी, यानी बोन पे टच नहीं करेगी। 30 टू 40 सेकेंड आप इस पैर पे मसाज करोगे एंड देन दूसरे पे, इसी तरीके से आप ट्वाइस और थ्राइस मसाज करना। इसी तरीके से हम इरेक्टर स्पाइन मसल्स को भी रिलीज करेंगे। और करने के लिए आपको बॉल को अपने पेल्विस से स्लाइटली ऊपर और स्पाइन से स्लाइटली साइड में रखना है। अब यहां से आप वॉल के अगेंस्ट खड़े हो जाएं इस तरीके से, एंड बॉल को अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करें, बहुत स्लाइटली, थोड़ा थोड़ा करना है, एंड इससे आपके वहां के मसल्स रिलीज हो जाएंगे। एंड 30 टू 40 सेकेंड करने के बाद आप दूसरी साइड बॉल को प्लेस करोगे एंड
सेम तरीके से मूवमेंट करोगे वो होगा आपका एक सेट, एंड आप ट्वाइस या थ्राइस करना। आइए अब हम वो टेस्ट करके देखते हैं जिसको करने से आप पता लगा सकते हो कि आपको एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है या नहीं। करने के लिए आपको इस तरीके के एक फ्लैट टेबल की जरूरत पड़ेगी। अब करना क्या है, आपको टेबल पे इस तरीके से बैठना है कि आपकी इतनी लेग टेबल से बाहर रहे। अब स्लाइड डाउन एंड दोनों नीज को आप चेस्ट की तरफ पुल करें एंड होल्ड इट हेयर। अब यहां से एक नी को होल्ड करते हुए दूसरे पैर को नीचे लेके जाएं, लाइक दिस। और अगर तो आपका बैक ऑफ द लेग जो है वो टेबल पे टच हो रहा है तो समझो आपको एंटीरियर पेल्विक टिल्ट नहीं है। बट अगर आपका बैक ऑफ द लेग टेबल पे टच नहीं हो पा रहा है या फिर आपको टच करने के लिए नी को सीधा करने की जरूरत पड़ रही है तो यानी आपको एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है। तो ये टेस्ट आप करके देख सकते हो। ये तो था हमारा पूरा शेड्यूल। इस शेड्यूल को आपको हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर करना है। करने में आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे। मैं आपके समक्ष आता रहूंगा, यूजफुल कंटेंट बनाता रहूंगा। बट कोई भी वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक बटन जरूर प्रेस करें, चैनल को इसी तरह प्यार करते रहें। एंडिंग से पहले बस मैं आप सभी लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि चलता चला चल गाना आप सभी लोगों ने देखा, अगर देखा तो कैसा लगा, कितना मोटिवेशनल था? बट अगर आपने अभी तक भी नहीं देखा है तो एक बार गाना जाके जरूर देखें, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, नमस्ते।